So hello everyone, this is Pankaj Chauhan, PhD scholar from IIT Assam Dhanbad. So today we also have a new video in which our guest is Mr. Shailesh Singh. Hello Shailesh, how are you? Hello, I am fine Pankaj, how are you? I am also good. Shailesh, actually we have a video series in which we are discussing about the interview experience of those who got selected in government jobs and some other fields, okay? So पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं आपके बारे में. सो शैलेश एक सीनियर ऑपरेशन ऑफिसर है IOCL में. ही गॉट सिलेक्टेड थ्रू गेट. सो आज उनसे हम डिस्कस करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे. तो शैलेश, द मोटो ऑफ दिस वीडियो सीरीज इज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, राइट? एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो हमारे जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी इंटरव्यूज के लिए, इवन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली आपकी कंपनी, आपके PSU IOCL के लिए, तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिले, उनको सब समझ में आए कि क्या क्या चीजें एक्चुअल में होती हैं, एक रियल चीजें उनको एक्सपीरियंस हो. दिस इज द मेन मोटो बेसिकली, राइट? हाँ, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के बारे में. तो अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए. Hello Pankaj, first of all I want to congratulate you for what you are doing. I have watched your video and found that this video are very beneficial to all students in respective of the their branches, their trades. So first of all I congratulate you, and I am talking about myself. I am Shailesh Singh. I am from now Uttar Pradesh. I have done my BTech from JSS Noida in mechanical engineering, and after that I have joined NIT Allahabad for MTech in design engineering. After which I got selected in IOCL, and now I am working in Nagpur as a senior operation officer. ओके, थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए. जो शैलेश हैं एक्चुअली मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में थे पहले, और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना अंडर ग्रेजुएशन किया है. उसके बाद इन्होंने एमटेक भी ज्वाइन किया था आफ्टर गिविंग अटेम्प्ट्स ऑफ गेट एग्जाम, वन एंड टू अटेम्प्ट्स. देन उन्होंने एमटेक के साथ इन्होंने IOCL का इंटरव्यू क्रैक किया और अच्छा रैंक इनको मिला. इनका गेट का रैंक था 104 आई थिंक, राइट? तो मैं बता दूं कि इन्होंने मास्टर्स में अपनी एमटेक में जो MNIT इन्होंने इलाहाबाद में ज्वाइन किया था, उसमें सेकंड ईयर में इन्होंने जो गेट में रैंक आया 104, उसके बिहाफ पे इन्होंने इंटरव्यू दिया था. उसके बाद ये सिलेक्ट हुए थे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैलेश जर्नी के बारे में. तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन हुई, आपका मैकेनिकल कैरियर जो था, आपने मतलब आप खुद से चूज किया था या फिर कुछ किसी और का था? नहीं नहीं, मैं नहीं, स्टार्टिंग में जब 12th के था टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिस आर द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड. तो उसके बेसिस पे साइंस में अच्छा कर रहा था, तो मुझे लगा मैकेनिकल या सिविल इन दोनों में कोई बेस्ट रहेगा. मैकेनिकल वाज माय फर्स्ट चॉइस. Then after my civil, so I got 3000 rank in UPTU. Then I selected in JSS Noida and found the mechanical branch. Then, then everything is okay. मतलब कह सकते हैं कि you are predefined कि मुझे mechanical में जाना है, मुझे mechanical engineering करना है. I have interest in science, so mechanical is my first choice. Okay, so मतलब कह सकते हैं कि अगर आपका interest अगर आपको पता है तो आप उसको choose कर सकते हैं. That is the main point here. So after that आपने gate का attempts दिए, right? Yeah. तो उसके बाद मैंने first time. हाँ please tell. हाँ, मैंने first time मैं start जब मैंने start किया था ऐसे बिल्कुल first time. I have no clue about the gate exam. Right, but after second year, one of my senior has got the 56th rank in my college. After that, I am motivated from them, from him. फिर उसके बाद मुझे मैंने पता किया कि गेट क्या होता है, कैसे क्या प्रोसीजर रहती है, क्या 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 क्राइटेरिया रहते हैं, कौन कौन सी कंपनियां इसके अटैच होती हैं. तो मैंने पता किया. फिर मैंने फोर्थ ईयर में ही MEDIGI की क्लासेस ज्वाइन की थी. उसके उसके बाद फोर्थ ईयर में ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कॉलेज के साथ ही साथ. मैंने वीकेंड बैच ज्वाइन किया था. वीकेंड बैच सैटरडे संडे में ऑफ होता था कॉलेज, तो उसके साथ ही मैंने ज्वाइन किया. फिर उसके फर्स्ट टाइम मेरी मतलब जब मैंने 2016 में था मेरा फोर्थ ईयर, 2016 के बाद जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा कुछ 68 या 70 नंबर आया था.
ये मतलब ठीक रैंक थी लेकिन नॉट अप द पार टू गेट एनी पीएसयू लाइक दिस. ओके सो मैं यहां पे ऐड कर दूं यहां पे एक चीज कि पीएसयू के लिए अगर आपको पीएसयू में जाना है तो गेट का स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए. लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक अराउंड 200-300 इतना हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आएंगे. उसके बाद सारा चीज डिपेंड करता है इंटरव्यूज पर, राइट. तो सलेस का जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जब गेट दिया था तो इसका इनका रैंक आया था 1800 और उन्होंने गेट दिया था फोर्थ ईयर में. बिकॉज एक आम बात है कि अगर आप हार्डवर्क करेंगे तभी आपको कुछ चीजें मिलेंगी. दैट्स ट्रू एग्जांपल हियर बिकॉज इन्होंने फोर्थ ईयर में इनका कॉलेज भी था साथ में इन्होंने वीकेंड बेसिस में अपना कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा था. तो दैट्स एग्जांपल ऑफ हार्डवर्क, राइट. मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं. मेरे हिसाब से मतलब फेलियर इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट. अगर फेलियर नहीं मिलेगा तो हम उससे कुछ आगे सीखने को नहीं मिलता. तो अगर फेलियर मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना. क्योंकि देखिए क्योंकि फेलियर इज नॉट अ फेलियर एक्चुअली, इट्स अ स्टेप टू सक्सेस. एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप. तो दिस इज अ थिंग. सो ये था छोटा सा पार्ट इनकी जर्नी का कि इनका फर्स्ट ईयर में फोर्थ ईयर में जो गेट हुआ था उसमें 1800 रैंक आया था. तो उसके बाद दिमाग में क्या थॉट्स आए थे? फिर मतलब डायलेमा था कि इस 1800 रैंक पे मुझे एमटेक में ज्वाइन कर सकता आगे अपनी कंटिन्यूटी कॉलेज लाइफ मतलब आगे नया कैरियर एमटेक के थ्रू या पीएचडी के थ्रू उधर इसमें रिसर्च में जा सकता था. अदर ऑप्शंस था कि या मैं कुछ ड्रॉप करके एक बार फिर से मैं अपना एक अटेम्प्ट दे लूं, ट्राई कर लूं, मे बी शायद नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूव कर जाऊं और मुझे आई विल गेट सिलेक्टेड इन पीएसयू आल्सो. तो आफ्टर दिस डायलेमा मैंने क्लियर किया कि ठीक है मैं एक अपने आप को खुद से एक बार चांस देता हूं. मैंने एक बार ड्रॉप किया. तो मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को जज करें कि यार मेरे को एक चांस और देना चाहिए. इस बात में आप कुछ बोलना चाहेंगे या फिर इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन कि कैसे चांस देना चाहिए, कैसे दूसरा करियर चूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक जब हम कुछ किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, एक प्रिपरेशन फेज चलता है हमारा, तो हमको लगने लगता है कि हम वी कैन डू इट और नॉट. तो जब क्योंकि चीजें समझ में आने लगती हैं और क्लियर होती है और जैसे कुछ कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कभी कभी कुछ टफ क्वेश्चन मतलब मूड पे होता है कि कभी कभी टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो उस टाइम कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं. वो चीजें रियलाइज करनी चाहिए कि हाँ ये एक किस लेवल तक हम अप कर सकते हैं कि हम उस एग्जाम के टॉप में पहुंच सकते हैं कि नहीं. तो वो एक कुछ प्रिपरेशन के कुछ टाइम बाद हमको रियलाइज हो जाता है. तो वो फेज के बाद हम जज कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं. ओके तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपका 1800 रैंक आया उसके बाद आपके दिमाग में था कि मुझे पीएसयू जाना है या फिर आपको ये चीजों की इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे? 1800 रैंक आया जब नहीं पीएससी पब्लिक सेक्टर तो जाना था मुझे. मतलब 1800 के रैंक आने के बाद भी मतलब ये तो था लेकिन मेरे पास ये था कि मैं ड्रॉप करके प्रिपरेशन करूं कि या कॉलेज ज्वाइन करके एमटेक के साथ ही साथ मैं ये मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं. Okay. तो ये दो डायलेमा थे मेरे. तो आपने मतलब चूज किया कि मैं दोबारा से एकदम ड्रॉप लेता हूं और फिर मैं कंटिन्यू करूंगा प्रिपरेशन. तो उसमें क्या हुआ? क्योंकि मेरा ये था कि मैंने प्रिपरेशन की थी कॉलेज के साथ, मैंने फुली प्रिपरेशन को टाइम नहीं दिया था उस टाइम पे फोर्थ ईयर में देखा जाए. इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फुल अटेम्प्ट पूरी प्रिपरेशन कर दी जाए उसके बाद में फिर देखा जाए. ओके सो तो जो आपने कोचिंग में अभी फुल अटेम्प्ट मारा, जो मतलब रेगुलर आपने कोचिंग स्टार्ट किया, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस फील हुआ वहां पे? कुछ आपको इम्प्रूवमेंट लगा अपने अंदर? हाँ, उसके बाद मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट बैच ज्वाइन किया था. तो उसमें क्या था, मैंने मेनली उसमें मोटो ये था कि कन्वेंशनल जो ईएस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कराए जा रहे थे. तो वो सॉल्व करने के बाद जो थॉरो नॉलेज होता है ना सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो थॉरो नॉलेज कॉन्सेप्चुअल बढ़ने लगा. उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होता गया. मुझे लगने लगा कि मैं ये कर सकता हूँ. ओके तो आपका जो ईएससी का कुछ आपके माइंड में नहीं था मुझे ईएससी का भी अटेम्प्ट देना है या मैं दूं? नहीं, मेरा गेट और ईएससी दोनों का था साथ के साथ. ओके तो आपने ईएससी के पेइंग फॉर गेट एंड ईएससी आल्सो. ओके तो आपने जो अपने फोर्थ ईयर के बाद अपने कोचिंग स्टार्ट की तो उसके बाद आपका गेट का एग्जाम कैसा गया? मतलब आफ्टर ड्रॉप? हां या आफ्टर ड्रॉप. ओके
जब मैंने इसका 2017 में मैंने दिया था वो अटेम्प्ट, उसके बाद मेरा एग्जाम मतलब पेपर वाज क्वाइट इजी, माय फर्स्ट बैच था, फर्स्ट सेशन था वो मेरा, फर्स्ट सेशन था, एग्जाम वाज इजी, बट आफ्टर ये आफ्टर वन आवर आई वाज डूइंग गुड okay. मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा था क्वेश्चन करते हुए, पेपर इजी था, काफी इजी था, लेकिन मैंने 1.5 hours में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर भी लिए थे. ओके ओके. उसके बाद मैं तो वो एनालाइज कर रहा था, लेकिन फिर उसमें 2-3 क्वेश्चंस में मुझे डाउट लगे आने लगा. उसके बाद जब मैं पेपर को रीडू कर रहा था, चेक कर रहा था कि क्या क्वेश्चंस कैसे थे, तो वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा तो मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट आया कि एक आता नहीं है कि गेट में इतना सरल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो उसमें कैसे हुई, तो वो थोड़ा एनालिसिस बढ़ता गया, तो उसमें मैंने एक दो मिस्टेक कर दी. उसके बाद अच्छा एक सेकंड, मैं अभी यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा. जैसे कि सलेश ने जैसे कि बताया कि उनका एग्जाम इजी था, गेट का एग्जाम जो फर्स्ट सेशन में था, 2017 की बात जो कर रहे हैं आफ्टर ड्रॉप, तो इन्होंने 1.5 hours में एग्जाम पूरा कर दिया था, राइट. तो अभी ये रीचेकिंग कर रहे थे ना, और उनको डाउट आने लगा कि ये क्वेश्चन इजी क्यों है, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है, तो उन्होंने उस कर दिया है ना. तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, जूनियर्स को बताऊंगा, अगर आप जल्दी एग्जाम कर पा रहे हैं तो वो आपकी स्किल है ना, तो आप उसमें डाउट क्रिएट ना करें ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर ऑलरेडी रहता है माइंड के ऊपर, और प्रेशर में इंसान इतनी इतना इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है. तो दैट इज द फैक्ट, यहाँ पे इन्होंने बताया इस बारे में, तो आई एम रियली अप्रिशिएट दिस थिंग. ओके, सो उसके बाद आपका रैंक अच्छा नहीं आया आई थिंक, एज कम्पेयर टू जितना आना चाहिए था. नहीं, उसके बाद मतलब पहले से बेटर हुआ, लेकिन वो पब्लिक, किसी पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करने के लिए नहीं था, मतलब नहीं कर सकते. तो फिर आपके माइंड में क्या है? 1600 है. हां ओके, आपके माइंड में फिर क्या है? फिर मैंने सोचा कि मैं, फिर मैंने फोकस किया कि मैं आई वाज डूइंग एमटेक एट दैट टाइम, तो मैं एमटेक को थोड़ा प्रायोरिटी देता हूँ, साथ के साथ मैं ये गेट की तैयारी करता रहूंगा प्लस. अच्छा. लेकिन मेरा इनिशिएटिव जो इंक्लाइन था एमटेक के लिए थोड़ा बढ़ा, कि उसमें okay. भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए. ओके, तो मैं एक ब्रीफ में एक छोटा सा चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, कि जो आपका फैमिली सपोर्ट था, लाइक आप 2 साल में आपने, 1 साल आपने ड्रॉप किया, फिर वो किया, वो फैमिली सपोर्ट के बारे में और फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में थोड़ा बताएं. मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, यहाँ से मैं 4th year के बाद से भी ड्रॉप का फैसला था कि ड्रॉप करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे वो पूरा फुली मेरा डिसीजन था. फैमिली से मैंने पूछा था कि क्या करना चाहिए, एमटेक ज्वाइन करना चाहिए कि ड्रॉप करके फिर से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फैमिली ने कहा कि तुमको जो सुटेबल लगे वो तुमको करना चाहिए. तो फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया जब जो फैसले लिए मैंने. ओके, सो क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है. कई बार हम जैसे इंडिया में काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं होता है, तो उनको चीजें डिफिकल्ट भी हो जाती है. तो मैं यहाँ पे पॉइंट इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब अटेम्प्ट दे रहे हैं, जैसे कि किसी के पास होता है कि टाइम दे सकता है वो, 1 साल और दे सकता है, किसी स्टूडेंट के पास नहीं भी हो सकता है, तो वो चीजें उसको, क्योंकि हमें फैक्ट्स जो हमारे होते हैं अपने बारे में, जो फैक्ट्स होते हैं कि हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या कुछ डिफिकल्टी फेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो हमको शुरू से ही अपने अंदर रखनी चाहिए, ताकि हम पहले या दूसरे अटेम्प्ट में अच्छा कर पाए. Like, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, आप पहले अटेम्प्ट में भी अच्छा कर सकते हैं, और दूसरा आप अगर गलतियों से सीख रहे हैं तो दैट्स अनदर थिंग. ओके, सो ये चीजें मैं डिस्कस करना चाहता था यहाँ पे. एनीवे, तो मैं बता दूं, इन्होंने एमटेक ज्वाइन किया, उसके बाद इनका बहुत अच्छा रैंक आया, 104 ऑल इंडिया रैंक, 104 लाइक इट मैटर्स है ना, इनका अलग मतलब रैंक आया. तो उसकी जो स्ट्रेटेजी थी, उसकी जो 104 रैंक जो आया आपका, 1600 रैंक से आप 104 रैंक पे पहुंचे, तो उसमें क्या आपने चेंजेस किए, कि आपको क्या लगा कि ये चीजें हुए तो मेरे साथ ये सब इतना अच्छा रैंक आया, कैन यू प्लीज शेयर. जैसे मैंने बताया ना कि जब एमटेक फर्स्ट ईयर में मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया, तो फिर मैंने स्ट्रेटेजाइज किया कि मुझे एमटेक के लिए भी टाइम देना है, प्लस गेट का मुझे प्रिपरेशन गेट के लिए भी टाइम देना है. फिर मेरे पास अब क्या था कि मैं एमटेक के लिए टाइम दे रहा था, तो मुझे पता गेट के लिए जैसे मैंने 4 hours निकाले एक दिन में, तो मुझे ये पता था इस 4 hours से मुझे क्वालिटी टाइम, मतलब जो एक आउटपुट आना चाहिए उसका बहुत ही मतलब फ्रूटफुल आउटपुट होना चाहिए. 4 hours दे रहे हैं तो काफी 4 hours काफी एफिशिएंट होने चाहिए. तो मैंने वो स्ट्रेटजी उसी अकॉर्डिंग की, मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया कि किस दिन, मतलब वीकली वाइज मुझे कौन से सब्जेक्ट खत्म करने हैं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट तो सारे मेरे थॉरो थे ही पहले से ही. ओके, मैंने मैंने बताया था कि मुझे जब मैंने ये बैच किया था
उसमें मैंने ESC प्रिपरेशन की थी, तो मैं हां तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस के मुझे मतलब फॉरेन नॉलेज हो गया था, मुझे कॉन्सेप्चुअल भी हो गया हो चुकी थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था मेरा पहले से, और मुझे ये था कि मैं कर सकता हूँ, और इसलिए नहीं कर, दो तीन क्वेश्चंस की गलती के कारण मैं पीछे रह जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, देखो गेट में ना रैंक जो आता है वो 1200 से जब आप 104 में पहुंचते हैं ना, या 1600 से 104 में, तो उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, दो या तीन या चार क्वेश्चन का, और वो ही मैटर करते हैं, क्योंकि मीडियम रेंज में आना एक सबके लिए पॉसिबल है, क्योंकि मीडियम रेंज का मतलब की गलतियां जो लोग सब कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं, है ना, और एक टॉप में जाना लाइक इट क्रिएट्स डिफरेंस ऑफ 2 and 3 क्वेश्चंस ओनली, है ना, तो जैसे इन्होंने बताया कि गेट के एग्जाम के लिए इन्होंने ESC के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने अप्रोच किए, जो मेंस एग्जाम्स में हम लिखते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि उस क्वेश्चन की वजह से हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो क्रिएट होती है ना, और हम समझ पाते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में जो प्रोफेसर है जो लोग एग्जाम सेट करते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दैट इज द थिंग जो शैलेश बता रहे हैं कि हमने इन्होंने स्ट्रेटेजी में चेंज किया थोड़ा सा, और दूसरा इन्होंने क्वालिटी टाइम क्रिएट किया, लाइक जैसे इनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी तो 4 घंटे में इन्होंने ऐसा क्वालिटी टाइम क्रिएट किया ताकि वो वहां से फ्रूटफुल रिजल्ट ले सके, तो इस चीज के अलावा आपने कुछ किया जैसे कि आपका रैंक अच्छा है उसके लिए, इस चीज के अलावा जो को आपने और अदर थिंग्स, और क्या किया मैंने, नहीं मैं इस पे बेसिक जो मैंने बताया इसी पे मैं इन्वॉल्व रहा, इसी पे मैंने इंडल्ज रहा, ऐसे मैंने सारी स्ट्रेटजी इस्तेमाल, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले जो गेट के एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा ये है कि मतलब अगर आपके पास टाइम है तो जैसे कि क्या होता है फोर्थ ईयर में बच्चे ज्वाइन करते हैं स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो उतना टाइम नहीं रहता कि वो क्वेश्चंस ये ESK या कन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए अप्रोच कर सके, तो वो एक फिक्स पैटर्न बना लेते, जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑनगोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं ये उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर उनके पास टाइम है तो मतलब फोर्थ ईयर के साथ वो ज्वाइन करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, अगर उनके पास टाइम है तो कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक जो नॉलेज का स्पैन होता है वो बढ़ जाता है, और तुम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है हमारी वो इंक्रीज होती है, तुम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, इससे क्या होता है कि मेरा जो ऑब्जर्व है ना कि जनरल 70-75 नंबर गेट में नॉर्मल एवरेज नॉलेज में आ जाते हैं, मेन मैटर नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैटर करता है कि उसमें गेट के आपने भी देखा होगा गेट के एग्जाम में का पैटर्न जो है उसमें यह रहता है कि 70-75% क्वेश्चन जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद मैटर करता है 10-15% क्वेश्चन, 10-15% क्वेश्चन जो थोड़े अलग कॉन्सेप्चुअल होते हैं और थोड़ा ट्रिकी से होते हैं, वो आपकी रैंक डिसाइड मेनली मेरे अकॉर्डिंग वही करते हैं, वो ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी तभी आती है अगर आपने कन्वेंसर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा किए हैं, आपका नॉलेज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बढ़ा हुआ है, तभी आप वो क्वेश्चंस को थोड़ा हिट कर सकते हैं, तो वो अगर जैसे मेरा जो अभी मैंने 2018 में जो दिया था उसमें मुझे 2-3 क्वेश्चन टोम्स के थे जो लिंक से रिलेटेड थे जो काफी डिफिकल्ट पहले मुझे डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन मैंने जो आपने पूछा ना कि आपने उस एक साल में ऐसा क्या चेंज किया, मैंने उस क्वेश्चंस पे टारगेट किया जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो पहले मैं नहीं कर सकता था, मैंने उनके कॉन्सेप्ट्स को रीड आउट किया, समझा कि क्या होता है कैसे करने हैं, जैसे टोम्स के ही आपने लिंक्स के स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं लिंक एंड देयर मैकेनिज्म्स राइट, तो उसके क्वेश्चन हम मैकेनिज्म उसके क्वेश्चन जनरली हम क्या है कि ये सोच के कि ये ग्राफिकल क्वेश्चन है ये नहीं आएंगे गेट में, कभी कभी वो आते हैं, अब धीरे धीरे मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वो आने बढ़ गए हैं। अच्छा तो मैं एक चीज यहाँ पे और पूछना चाहूंगा यहाँ पे बिफोर एनीथिंग कि जो आप बता रहे हैं कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन आप जो सोल्व नहीं कर पाते, तो वो आपने कहाँ से सर्च आउट किए, कि कोई टेस्ट सीरीज आप देते थे कंटिन्यूअसली या फिर आपको मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वहां से आपको पता था कि ये मेरे को नहीं आ रहे, तो आप कैसे उनको फाइंड आउट करते थे? मैंने फिर मैंने एग्जाम्स से जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्स दिए थे उसमें मेरे मैंने रीड आउट किया कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं जो मैंने पैटर्न अपने वो दिए थे एफर्ट दिए थे, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज भी मैं साथ के साथ देता था
टेस्ट सीरीज में मेरे मैंने फिर 2017 के बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज जब देना स्टार्ट किया तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने टेस्ट सीरीज दिया तो उस टेस्ट सीरीज का पूरा मैंने क्या जो क्वेश्चन मैंने सही कर दिए उनके उनके भी मैंने सॉल्यूशंस देखे प्लस जो मैं नहीं बना पाया तो पहले मैंने टाइम दिया कि मैं इसके क्वेश्चन को अगर मैं अलग से टाइम देता हूँ कर सकता हूँ कि नहीं। पहले मैंने वो टाइम दिया, अगर बन गया तो ठीक था, नहीं बना तो मैंने उसके कॉन्सेप्ट को पहले रीड आउट किया कैसे क्या अगर अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट वो आपका क्लियर ठीक है। पहले आप उसके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर मैंने वही किया, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर मैंने ट्राई किया फिर से बनाने का, वो बन गए तो मैंने फिर ये एक फिर उसके लिए क्या हो गया हेड टेस्ट सीरीज के साथ एक नोट्स भी बनाते गया मैं कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनके कॉन्सेप्ट का एक नोट्स बनाता गया क्योंकि ये अभी मैंने नया नया सीखा है तो ये बीच बीच में रिवाइज भी होना होता रहना चाहिए। उनको भी एनालाइज किया इन्होंने कि कैसे इनकी अप्रोच क्या थी और जो क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो चीज भी एनालाइज करना जरूरी है क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है ना। और गेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आपका रैंक डिसाइड करते हैं, एवरेज क्वेश्चन तो नॉर्मली सबके ठीक हो जाते हैं बट जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जो अच्छे या ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब यही है कि वो एग्जामिनर आपके नॉलेज को चेक करना चाह रहा है आपका कितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है राइट। तो उनको कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो अच्छे जो राइट क्वेश्चन थे उनको भी इन्होंने एनालाइज किया, साथ में इन्होंने जो क्वेश्चन जिनसे गलत हो रहे थे उनको भी एनालाइज किया, प्लस में वो प्लस में इन्होंने नोट्स भी बनाना स्टार्ट किया कि जहां से उनको रिवीजन का भी एक एज मिला। ओके सो दीज आर दी ऑल थिंग्स अबाउट द गेट एग्जाम। तो मैं बिफोर मूविंग टू द IOCL इंटरव्यू मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ गेट के बारे में, कुछ ऐसी ऐसी टिप्स आप बताना चाहिए गेट के बारे में कि जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके आगे। मेरा मतलब मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो पहले वो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन देखे और पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि किस फील्ड से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग वो स्टार्ट करें। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स से 20% क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का वो पोर्शन वो पहले स्टार्ट करें, प्रायोरिटी बनाए। तो ये एक स्ट्रेटजिकली पैटर्न में चलना चाहिए कि ये इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले वो प्रिपेयर करना चाहिए। अगर कोई टॉपिक इंटर रिलेटेड है तो आप वो साथ में ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ जैसे बच्चों को जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि हम जज करते रहते हैं अपने आप को बीच बीच में, तो टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे टेस्ट सीरीज? या मेरे साथ बहुत हुआ है। फ्रस्ट्रेशन भी होता है, वो नेचुरली है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन उससे आगे की अपने फ्यूचर के एग्जाम को जज करना वो सही नहीं रहता है। टेस्ट सीरीज हम इसलिए देते हैं कि हम अपनी गलतियों को पहचाने, हम अभी रियल हमारा रियलिस्टिक अभी हम किस कहाँ पे हैं वो उससे हम टेस्ट सीरीज से जज कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आज की टेस्ट सीरीज में जो हमारा खराब हुआ है तो उससे आपका फ्यूचर का एग्जाम खराब होगा, आप उसका कोई इससे लिंक नहीं है, इंटरलिंकिंग कुछ नहीं है। क्योंकि आप हाँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा रैंक तो हजारों में आ रहा है और सामने वाले का रैंक है 110 में आ रहा है 100 में आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर कंपेयर ना करोगे उन चीजों को तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा इन कंपेयर टू। आपको कंपेयर करना चाहिए कि आप क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स है ना। और मैं इसमें ऐड भी एक ऐड करना चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे साथ हुआ है तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि आपके टेस्ट सीरीज में नंबर भी अच्छे आ जाते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है। राइट दैट्स आल्सो तो वो भी इंटरलिंक नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका रैंक अगर अंडर 10 आ रहा है टेस्ट सीरीज की बात मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट है इसको तो देखने की जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट भी होते हैं और अगर उसमें भी आपका अच्छा रैंक आ रहा है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक सब्जेक्ट तो खत्म है, क्योंकि एग्जामिनर है वो हमसे वे वे मच एक्सपीरियंस्ड है और उसको पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, तो हमें उस चीज को माइंड में रखना चाहिए। हाँ प्लीज टेल मी। मेरे साथ जैसे आपको पता होगा CBT एग्जामिनेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CBT एग्जामिनेशन होते हैं, गेट से कुछ 20 दिन पहले से होकर ये कंडक्ट कराए जाते हैं। तो मैं CBT के बारे में बता दूं, CBT एग्जाम एक रियल टाइम एनवायरनमेंट है कि काफी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन अलग अलग वो अपने अपना खुद का एग्जाम सेट करके प्रॉपर सेम माहौल सेट करते हैं जैसे गेट का एग्जाम होता है, ये CBT एग्जाम है। आप बताइए प्लीज। तो मैंने 2017 का जो प्रिपरेशन है 2017 में जो अटेम्प्ट किया था मैंने ड्रॉप के बाद
तो उसमें मैंने सीबीटी एग्जामिनेशन जो गेट से कुछ 10 दिन पहले था, उससे 10 से 15 डेज पहले था, उसमें मेरे मैंने वो अटेम्प्ट दिया था, मेरी कुछ ऑल इंडिया 70 रैंक्स आ गई थी, 17 या 70, तो वो 70 ओके तो वो नंबर्स भी मेरे अच्छे आए थे, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया था मुझे बाद में फील हुआ, उस टाइम पे नहीं फील हुआ, बाद में मुझे फील हुआ क्योंकि उस 10 दिन का जो पीरियड होता है, मैंने वो एग्जामिनेशन के 10 डेज का जो पीरियड होता है वो भी काफी क्रूशियल होता है, लूज कर दिया आपको, आप मैंने वो टाइम पीरियड लूज कर दिया इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, तो वो पीरियड में मुझे ये लगने लगे कि अब मुझे सौरव हो गया है, अब मुझे ज्यादा उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो मैं जो मेरा टाइम पीरियड था पढ़ने का वो थोड़ा थोड़ा कम कर दिया मैंने, मुझे ऐसा लगा वो फिर, लेकिन वो जो 10 डेज का पीरियड होता है वो काफी क्रूशियल होता है, उसमें मेनली अप्रोच होना चाहिए कि जो हमारे फॉर्मुलेस हैं और जो तुम्हारे अभी रिसेंटली कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है उस टाइम पीरियड के बीच में, अब वो टाइम पीरियड को यूटिलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा रैंक ला रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, दैट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? ओके, क्योंकि देखिए इनका 70 रैंक आया था सीपीटी में, और बट उनका रैंक एक्चुअली कितना आया था, 1200 रैंक, राइट? 1600 पहले बात करूंगा कि कितना गेट का स्कोर होना, रैंक होना चाहिए जिससे आप आईओसीएल में एंट्री कर सकते हैं, रेंज क्या है, कुछ आइडिया आपको अभी फिलहाल या आपके टाइम के? अगर टॉप पीसीज हो गए जैसे आईओसीएल हो गई, ओएनजीसी हो गई, तो ओएनजीसी एनटीपीसीज हो गए, तो मेरे अकॉर्डिंग 300 टू 400 के बीच अगर इंटरव्यू कॉल्स के लिए बुलाया जाएगा तो 300 से 400 के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं इनके पहले के, एक 1 टू 400 रैंक, तो आपको 400 रैंक के अंदर आना, हां तो इसके बीच आना ही, मतलब इट्स फॉर अ जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, राइट? उसके बाद मैं बात करूंगा, इसके अलावा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, ये मतलब 100% करेक्ट नहीं है, एक दो बच्चे, दो तीन बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जो 600 पे भी ग्रैब्स कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी, तो एकदम फुली चांसेस नहीं है कि 300, लेकिन जनरलाइज्ड जो है 1 से 400 के बीच ही होना चाहिए। ये एक्सेप्शन है, बिकॉज़ ऐसा कुछ सकता है जिसका रैंक अच्छा हो, 100 हो, उसका भी ना हो आईओसीएल में या फिर किसी अलग पीसीएस में, तो ये इंटरव्यूज पे ये एक्सेप्शन केसेस है, बट अगर हम जनरली रेंज की बात करें तो अबाउट 400 रैंक का होना चाहिए आपको, इंटरव्यूज का कॉल आएगा अच्छे पीसीएस के साथ, तो फिर आपको डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, ये चीजें मैटर करती है, राइट? उसके अलावा तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आपका गेट स्कोर होना चाहिए, उसके अलावा कोई रिटन एग्जाम ऐसा कुछ होता है? नहीं, एज क्राइटेरिया है, रिटन एग्जामिनेशन तो ऐसा कुछ नहीं होता, एज क्राइटेरिया है। एज कितना होता है? पहले से पता है। एज डिफरेंट पीएसएस का डिफरेंट है, आईओसीएल का 26 है और ओएनजीसी का 28 है। तो 26 एज भी मैटर करता है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि आप अगर 2-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपकी एज भी जाती है, मतलब एज भी हो जाती है, राइट? तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। प्लस ऐड करना, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, बीटेक परसेंटेज भी आल्सो मैटर। कितना कितना परसेंटेज? 65% इज मैंडेटरी फॉर टू जॉइन आईओसीएल, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ये हुआ है, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। 64.99 कुछ, 64.9% थे और ही हैज 200 रैंक। ओके, सो इट वो मतलब एलिजिबल ही नहीं थे ही वाज नॉट एलिजिबल इन आईओसीएल। सो अपने अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप 65 से ऊपर ही रखिए। और मैं बता दूं, अगर मैं पीएचडी कर रहा हूं फिलहाल आईआईटी धनबाद से, तो अगर आप आईआईटीज में भी जाना चाहते हैं, अगर मैमटेक के लिए या फिर पीएचडीज के लिए, तो आपको एटलीस्ट 70% से अबव होना ही चाहिए, क्योंकि अच्छी आईआईटीज मांगती हैं आपका परसेंटेज बीटेक का, राइट? ओके, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब मैं पूछता हूँ कि जो इंटरव्यू का आपका प्रोसीजर था, उसका कितने स्टेप्स हुए थे आपके इंटरव्यूज के, या फिर आपका ओनली इंटरव्यू स्टेज? इंटरव्यू नहीं, उसमें इंटरव्यूज में था कि जैसे मैंने बताया ना, गेट स्कोर का 85% वेटेज होता है सेल में, और रेस्ट 10% इंटरव्यू एंड रेस्ट 5% ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क।
तो आपका पहले इंटरव्यू हुआ था या ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क, कौन सी चीज पहले हुई थी आपकी? नहीं, मेरा पहले इंटरव्यू हुआ था, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर ग्रुप टास्क। तो चलो हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो आपका जो पैनल था, इंटरव्यू पैनल था, उसके बारे में बात करते हैं। तो कितने मेंबर्स थे आपके पैनल में? मेरे पैनल में 5 मेंबर्स थे, 4 जेंट्स थे और 1 फीमेल मैम थी। और एक चेयरपर्सन, दो चेयरपर्सन थे, एक चेयरपर्सन होंगे उनमें। हाँ, एक चेयरपर्सन फर्स्ट, एक चेयरपर्सन। तो सबसे पहले मैं बताना पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका जब इंटरव्यू खत्म हुआ था तो आपको कैसी फीलिंग्स आ रही थी, कि मतलब आपका कैसा लग रहा था कि हाँ अभी मैंने अच्छा किया, या फिर क्या क्या लग रहा था? मिक्स फीलिंग थी, मतलब ये एक 50% लग रहा था कि हो गया है, 50 नहीं 60-70% लग रहा था कि सही गया है, 40% एक रह जाता है कि एक दो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाते हैं, या खुद ही अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो लगता है कि शायद 30% वो अप टू द मार्क नहीं गया है, लेकिन वो मिक्स था, कोई मतलब चांसेस थे लग रहा था। ओके, तो आपने इसके अलावा बाकी इंटरव्यूज भी दिए थे क्या UCL के अलावा? हाँ, मैंने ONGC का इंटरव्यू दिया, मैंने वाइजैक का दिया, मैंने NPCIL का भी दिया। तो ONGC से पहले आपके, सॉरी IOCL से पहले ये सब इंटरव्यू हो चुके थे, उनके बाद हुए थे इंटरव्यू? मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट मेरा जो इंटरव्यू था NPCIL का था, NPCIL का, जिसमें पूरा प्योर टेक्निकल बेसिस पे था। Okay. और उसमें क्या था कि फर्स्ट में टेक्निकल के बाद वो जैसे कि आज अभी मैं पैनल में इंटरव्यू देने गया, उसके थोड़ी देर बाद वो रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट की उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा था कि किन स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए भेजना है, किनको तुरंत वो कर देना है, रेगुलर रिजेक्शन सही टाइप का ही बता रहे थे। तो उसी के दिन उन्होंने, तो मेरा इंटरव्यू वॉज क्लियर्ड, आई हैव क्लियर्ड द NPCIL इंटरव्यू। उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ था, लेकिन मेरा जो दोनों मिलाने के बाद जो बाद में वो बनती, क्या कहते हैं, कट ऑफ बनती है, कट ऑफ में मेरा वेटिंग में रह गया था। Okay. वो वेटिंग बाद में क्लियर नहीं हुई, लेकिन मेरा वेटिंग तक। फिर मैंने ONGC का इंटरव्यू दिया, ONGC का इंटरव्यू का क्वाइट टेक्निकल, लिटिल बिट HR क्वेश्चंस एंड सम फैमिली क्वेश्चंस, या लोकेशन, ये आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट से कहां से बिलोंग करते हैं, और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कि आपके स्टेट में क्या फेवरेट है, 5 थिंग्स क्या इंपॉर्टेंट, मतलब फेमस क्या है वहां की चीजें, इस टाइप के क्वेश्चंस ONGC में पूछे गए थे। फिर उसके बाद मेरा ये आपको लगता है कि ONGC का जो इंटरव्यू था वहां से आपने कुछ सीखा और वो चीज आपने अप्लाई करी IOCL के इंटरव्यू में, ऐसा कुछ आपको लगता है, कुछ आपको नॉलेज गेन हुआ? ONGC के इंटरव्यू में, मैं पहले ONGC के इंटरव्यू एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ONGC के इंटरव्यू में जो पैनल था, नंबर ऑफ पैनल्स में जो मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा थे, कितने थे? आई थिंक देर वाज 12 मेंबर्स। ओके, या देर 12 मेंबर्स। ओके, और लेकिन ONGC के इंटरव्यू की खासियत यह है कि काफी फ्रेंडली हैं वो लोग, भले 12 मेंबर्स थे लेकिन काफी फ्रेंडली रहते हैं। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो काफी पहले कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं वो लोग। Okay. तो वो ONGC के इंटरव्यू में ये वो रहता ही है। प्लस उसके बाद ONGC के इंटरव्यू में ये देखा है मैंने कि वो फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, कि आपकी फैमिली कहाँ से थी, आपका स्टेट क्या कौन सा है, आपके स्टेट में क्या क्या फेमस पर्सनालिटी या फेमस थिंग्स, फेमस प्लेस कौन से हैं घूमने के लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। प्लस बेसिक हमारा जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। Okay. वो कोई भी मेरा एक्सप्लेन कर सकता है। Okay. तो उसमें और ज्यादा मतलब बहुत ही हाई टेक्निकल नहीं कह सकता मैं, टेक्निकल प्लस HR बोथ मिक्स इंटरव्यू। तो ठीक है, ONGC के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, हम IOCL के ऊपर मूव करते हैं पहले, कि जो इंटरव्यू था आपका IOCL का, तो आप उसको कैसे मतलब बताना चाहेंगे कि कितना टेक्निकल था, हाईली टेक्निकल था, या फिर दोनों था, मिक्स था, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए।
मेरा आईओसी का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मैं उसे रेट करूंगा इस अकॉर्डिंग कि ये मेरा 60% नॉन टेक था और 40% टेक्निकल था। उस 40% में मेरा 20-25% मेरा एमटेक से रिलेटेड टेक्निकल था। ओके, एमटेक एमटेक में आपने डिजाइन से बात डिजाइन से एमटेक किया था आपने, राइट? हां, डिजाइन इंजीनियरिंग। ओके, तो टेक्निकल फील्ड क्योंकि आपने बताया कि आपका 60% नॉन टेक था, तो हम नॉन टेक को थोड़ा सा फोकस करते हैं कि नॉन टेक में आपको क्या लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट को भी आईओसीएल के अंदर इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसको क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए आपने माइंड के अंदर? मेरा जो एनालिसिस है मेरे अकॉर्डिंग आपको जो रिसेंट टॉपिक्स हैं या करंट जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनका थॉरली नॉलेज होना चाहिए। मतलब सराउंडिंग में क्या चल रहा है सब कुछ अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। तो मेरा मैंने क्या स्ट्रेटजी उस पीरियड इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान एक स्ट्रेटजी बनाई थी मैंने कि मैं रोज के रोज मैंने न्यूज़पेपर और जो करंट अफेयर्स वीडियोस होती हैं यूट्यूब से वो मैं डेली के डेली बेसिस पे मैं देखता था उसको। काफी बेनिफिशियल रहा मेरे इंटरव्यूज में। अच्छा, तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने जब इंटरव्यू आपको आपका जब रैंक हो चुका था आ चुका था एट का, तो आपके इंटरव्यूज के कॉल आने स्टार्ट हो गए थे, तो आपने कहीं डिफिकल्टी फेस करी कि यार मेरे को इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये चीज मैं कहाँ से पढ़ूंगा, ऐसा कुछ डिफिकल्टी फेस करी या फिर कुछ चीजें आप बताना चाहें कि मैंने ये चीजें का हेल्प लेके मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी और प्रिपरेशन को अच्छा बनाया? डिफिकल्टीज क्या हुआ? वेल, वो जैसे रैंक अच्छी आ जाती है तो रैंक अच्छी आने के बाद अब वो एक डाउट सा भी क्रिएट होने लगता है कि इंटरव्यू में कैसा करना है, क्या करना है, क्या पूछ सकते हैं, तो वो डाउट्स आते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए अपने जो पहले के जो मेरे क्लासमेट्स थे या जो सिलेक्टेड हो चुके थे उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया, अपने सिलेक्टेड जो फ्रेंड्स थे उनसे क्राइटेरिया लिया, फिर मैंने कुछ YouTube वीडियोस देखी और कुछ टीचर्स की वीडियोस देखी, उनसे मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। फिर मैंने अपना खुद का ही एक ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन बनाया कि नॉन टेक टेक्निकल में क्या क्या फील्ड है, क्या मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, फिर नॉन टेक साथ के साथ करता गया, फिर उसी अकॉर्डिंग मैंने किया। तो मतलब कहने का मतलब ये बोल सकते हैं जिस जो हाईली जो एक्सपीरियंस्ड है उससे पूछना बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे कि मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे मेरे जो चैनल है उसमें अलग अलग वीडियोस डाल रहा हूँ, तो वहां से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा और ये एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हम मूव करते हैं नॉन टेक पार्ट पे, जैसे आपने बताया कि मेनली आपने न्यूज़पेपर या वीडियो यूट्यूब से वीडियो उन चीजों का यूज किया और जो सराउंडिंग में अपने साथ हो रहा है फिलहाल उसकी नॉलेज आपने इकट्ठी करी, और आपको कितना लगता है कि जो आपने प्रिपरेशन करी उससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चंस थे वो आपकी प्रिपरेशन जो आपने करी थी वहीं से थे या फिर थोड़े से आउटसाइड क्वेश्चन भी थे? नहीं, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस का आपने जो प्रिपरेशन किया है वो कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसका कोई एक फिक्स सिलेबस है क्वेश्चन पूछने, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंटरव्यू प्रिपरेशन एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने का प्रोसीजर है मेरे अकॉर्डिंग, यही लगता है कि अगर आप कंटिन्यू चीज कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है जो आपके इंटरव्यू में भी दिखता है। आपको चीजें एक्सप्लेन करनी आती है, आपको एक नॉलेज तो आपका बिल्डअप हो चुका है, आपको ये इंटरव्यू में टैकल करना है कि आप सिचुएशन पे क्या क्या रिएक्ट करते हैं, वो आपने जो नॉलेज गेन कर रखा है उसका एक कॉन्फिडेंस आपके इंटरव्यू में झलकता है। तो उस बेसिस पे हम फिक्स नहीं कर सकते कि आपने जो पढ़ा है उनके क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, टेक्निकल में वो कह सकते हैं, नॉन टेक में कभी हम ये डिसाइड नहीं करते। बिल्कुल, बट जैसे डाउट ये रहता है स्टूडेंट्स का, डाउट ये रहता है कि नॉन टेक का अगर मैं बात करूं तो बहुत वास्ट एक चीज है नॉन टेक, और इंजीनियर्स की बात करूं तो उनके लिए नॉन टेक बहुत बड़ी बात होती है अगर वो एससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो अगर गेट के लिए फोकस्ड है वो लोग तो उनके लिए नॉन टेक थोड़ा सा बड़ा चीज है, बड़ा इश्यू है। तो उसको अगर उन लोगों को हम ध्यान में रखें तो कैसे हम नॉन टेक का प्रिपरेशन, जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर वो सब तो बात है अलग है, बट अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है उन चीजों का भी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने एससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी होगी तो उससे आपको नॉलेज आया होगा, तो जैसे जिन लोगों के पास बेसिक्स नहीं होते हैं कि भाई जनरल नॉलेज के, तो वो लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं उनके बारे में प्लीज? जो उन लोगों में मैं भी आता हूँ कि मुझे नॉन टेक का मेरा कोई एक्सपीरियंस, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में ऐसे की प्रिपरेशन से पहले, लेकिन मैंने फिर वो ऐसे इंटरेस्ट मैंने क्रिएट किया, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं क्रिएट हुआ ये कह नहीं सकता, लेकिन मैं एग्जाम परस्पेक्टिव मैंने कुछ चीजें डेली, मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हैबिट्स नहीं स्टार्ट नहीं की, मैंने धीरे धीरे उनका हैबिट बनाया कि
आज मैं 2 घंटे ये न्यूज़पेपर पढ़ूंगा या 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, धीरे धीरे वो इंक्रीज किया मैंने, तो वो एक इंटरेस्ट धीरे धीरे बनता जाता है कि, और ये चीज देखा मैंने, जैसे आपने कुछ एक दिन पहले कोई टॉपिक पढ़ा तो उससे रिसेंट में कुछ चलता जा रहा है, करंट में होता जा रहा है, तो आप इंटरेस्टेड रहोगे कि आगे इंटरलिंक बन जाता है। मैं बात करूँ तो ओलंपिक चल रहे हैं, तो अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, लाइक बैडमिंटन को फॉलो कर रहे हैं, पीवी सिंधु को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको रहेगा कि अगला मैच किसका है, अगला मैच में क्या होने वाला है, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे, क्योंकि कुछ दिन बाद ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना, कि गोल्ड मेडल किसने जीता, किसके मेडल टैली में कौन हाईएस्ट था। तो अगर आज आप फॉलो करेंगे तो आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, 2 मिनट्स लगेंगे, है ना, आपको बस देखना है कि कौन मेडल टैली में लोग कर रहा है, किसने कुछ अलग से अचीवमेंट करी है ना। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पास तो मेडल इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो उनको तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं। तो ये सलेश इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप, और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो आपने ये चीजें स्टार्ट करी बेसिक, तो आपको कितना टाइम पीरियड नॉन टेक को देना, कितने टाइम स्पेन में आपने ये चीजें समझ में आएगी कि हाँ कि अब मैं थोड़ा सा नॉन टेक को स्ट्रॉन्ग कर चुका हूँ, लाइक आपने एक साल में ये सब फील किया, या फिर आपने इंटरव्यू के टाइम पे 2-3 मंथ्स, या कैसे आप बोल सकते हैं इस बात को प्लीज? नहीं, ESC के नॉन टेक का जो अभी क्राइटेरिया वो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो फुल्ली नॉन टेक का ESC का पैटर्न तो चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं अभी नहीं बोल सकता। मेनली जो नॉन टेक फोकस मेरा किया था, जो करंट अफेयर्स और ये है, तो वो मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान 2-3 मंथ्स इन पे ज्यादा फोकस किया था। ओके, तो ठीक है, ये नॉन टेक की बात थी, अब हम टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे बेसिक्स क्वेश्चन थे, या कॉन्सेप्चुअल थे, या फिर नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, तो कैसे क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे? मैं अपने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो पब्लिक सेक्टर्स में इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो काफी बेसिक्स होते हैं, और अप टू दी मतलब ज्यादा एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल नहीं होते, बेसिक्स है। आप अगर आपने सारे थॉरो सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप यू कैन इजिली कोट देम या आंसर देम। जैसे मेरे बेसिकली टॉपिक्स क्या थे जो मैंने एनालिसिस किया था, पंप से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, जो हम बात कर रहे हैं अभी, हम पर्टिकुलर जो टॉपिक से बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड है, और ये अभी सले से काम कीजिए आप, जो आपके लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट मैं फोकस करना चाहूंगा हाइड्रोलिक्स पार्ट पे, जैसे आपने बोला अभी हाइड्रोलिक्स पार्ट में पंप्स का पार्ट है। मैंने 80% स्टूडेंट से भी फीडबैक लिया है और खुद भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए हैं, 2016 में मैंने भी ICL का एक बार इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी मेरे पंप्स पूछे गए थे, तो कैविटेशन पंप्स एंड इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो होते हैं उसके, वो हेड वर्सेस डिस्चार्ज, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि जैसे कि हम ये टॉपिक पंप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर गेट एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत कम टच करते हैं, क्योंकि कर्व के बारे में इतना ज्यादा हम पढ़ते नहीं है, और इंटरव्यूज में ऐसे ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें रिलेट करती है कि कहाँ पे हमको पंप को चलाना चाहिए, कौन सा एरिया ऑफ वर्किंग है, ये सब चीजें कहाँ पे सर्ज हो रहा है, कहाँ पे कैविटेशन आ रहा है, तो ये चीजें हमें सिर्फ देखनी है कि रियलाइज करनी है कहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक कॉन्सेप्चुअल थिंग्स पूछ जाते हैं इंटरव्यूज में। दूसरा अगर बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, अगर आपको बताना चाहें दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फेवरेट टॉपिक्स हैं जो कैरेक्टर SFD BMDs हो गया, और स्ट्रेसेस हो गए, व्हाट इज स्ट्रेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, और फिर वो टच करते हैं, कभी कभी टच कर लेते हैं ये टॉर्सन पार्ट जो होता है हमारा, उसको कभी कभी टच करते हैं, बेसिकली बहुत ही रेयर होता है लेकिन कभी कभी टच करते हैं टॉर्सन पार्ट। थ्योरीज ऑफ फेलियर आई थिंक विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, थ्योरी ऑफ फेलियर ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके फील्ड है अलग है, आप थर्मल में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका काम थर्मल से है, तो आप ऐसे आप देख सकते हैं टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये चीजें आप सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो अगर अभी मैं थोड़ा सा और इंटरव्यू के बारे में बात करूँ, तो आपको बीच में इन बिटवीन या फिर बिफोर इंटरव्यू आपको लगा था कि नर्वस हूँ मैं, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लगा था आपको? बिफोर इंटरव्यू नर्वस था मैं, मतलब थोड़ा वो रहता है इंटरव्यू के दौरान, मतलब इंटरव्यू के पहले, कि क्योंकि चीजें लग रहा होता है कि अंदर क्या होने वाला है, कैसा
कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या मैं उनका आंसर कर सकूंगा कि नहीं, ये सब अंदर चलता रहता है, तो उसके कारण थोड़ा नर्वसनेस आती है। ओके, तो आपको फिर क्या लगता है इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए, या फिर ये सबके लिए नॉर्मल है, मतलब ये चीजें होती है? ये नॉर्मल है, इनको एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये चीजें होती हैं। बस ये आपको ये थे माइंडसेट बना के चलना है कि जब आप इंटरव्यू के एंटर कर रहे हैं, जब इंटरव्यू के एंटर करने के दौरान वहीं से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना चाहिए कि जो है ठीक है, आगे अब जो अपना बेस्ट देना है हमको, जैसा रहेगा वो आगे फिर देख लेंगे, लेकिन हमको अपना 100% देना। ओके, सो ये था एक इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बात हमने करी। अभी जैसे हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क, तो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या मतलब आपसे क्या आपके साथ क्या क्या चीजें करवाई गई ग्रुप डिस्कशन में, आपसे पूछूं अगर मैं पूछूं आपसे तो ग्रुप डिस्कशन में मेनली बेसिकली कुछ टॉपिक दिए थे, 3 टॉपिक्स दिए थे हमको सेलेक्ट करना था। 8 मेंबर्स का पैनल था और राउंड एक राउंड टेबल्स में बैठे थे 8 लोग। तो सामने दो लोग जो हमारे जज थे, एग्जामिनर थे, दो थे वो सामने की तरफ बैठे थे, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा था हमको जो राउंड टेबल था उसके अंदर एक दूसरे को डिस्कस करके देखना था। उन्होंने ये रूल्स पहले ही डिसाइड कर दिए थे कि आपको हमको नहीं जस्टिफाइड करना है, आपको आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को कन्विंस करना है। दिस इज द बेसिकली एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन होता ही यही है कि आपको डिस्कस करके चीजें एक कंक्लूजन पहुंचना है। फिर आप बताइए। फिर उसके बाद वो 3 टॉपिक्स दिए गए, उसमें से एक सेलेक्ट करना था हमें, हमको मुझे अभी जितना याद आ रहा है टेक्निकल रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट हुआ था। फिर उस पे हमने काफी अपने व्यूज दिए थे, तो अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो आप बोल रहे थे कि आप क्या जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स या उनसे रिलेटेड जो भी आप गेन कर रहे हैं वो इन सब टॉपिक्स लिए ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क इनके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। टाइम पे मैंने टेररिस्ट रिलेटेड टॉपिक जैसे आया तो उस टाइम मैंने कुछ पॉइंट्स चल रहे थे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो कंट्रीज बांटी जाती हैं कि वहां पर टेररिस्ट का लेवल क्या है, वो उस टाइप से टेररिस्ट के वो क्राइटेरिया क्या है कि कौन से जोन में रखा जाता है उनको टेररिस्ट, जैसे पाकिस्तान को ब्लैक भी उसमें डाला जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है ना, तो वो टॉपिक्स मुझे याद आ रहा है कि मैंने उस टाइम पे वो टॉपिक्स पढ़ा था और मैंने वो पॉइंट बोले थे, मुझे वो पॉइंट बोलने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस खुद लगने लगा था कि मेरा फार फार बेटर देन अदर्स जो पॉइंट रख रहे हैं उनसे ऊपर उठ चुका है। अच्छा, तो वही मुझे लग गया था कि काफी सही हो गया। अच्छा, तो मतलब अगर हम ग्रुप डिस्कशन की थोड़ी सी बात करें तो जैसे आपने कोई भी टॉपिक डिसाइड करते हैं, हम लोग जो भी 8 लोग आपने बताया, 8 लोग अपने 8 लोग थे आपके उसमें, तो मान लो किसी पर्टिकुलर के पास, मान लो मैं ही हूँ या मेरे पास उस चीज को लेकर इतनी ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, लाइक डाटा नहीं है मेरे पास कि आप जैसे बताइए पाकिस्तान को ब्लैक, मेरे को भी नहीं पता उसके बारे में, उसको ये बोला जाता है, तो अगर फैक्चुअल नॉलेज नहीं है तो हम हमारा चांसेस कम हो जाता है क्या सिलेक्शन होने का, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, सिलेक्शन होने का नहीं, वही वहां पे यही आता है कि आप कॉन्फिडेंस लूज ना करें। सिलेक्शन का आपको क्या है कि आपका एक खुद का थिंकिंग होता है, आपको अगर टॉपिक आपको जैसे नहीं आ रहा है टॉपिक, आपके पास खुद कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप इनिशिएट ना करिए ग्रुप डिस्कशन को, आप पहले लोगों का व्यूज सुन लीजिए कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या, किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मे बी शायद आपको वो एग्जैक्ट टॉपिक नहीं है कुछ स्ट्राइक कर जाए, उससे इंटरलिंक्ड आपने जो बेसिक पास्ट में जो नॉलेज ले रखा है हो सकता है वो इंटरलिंक्ड हो जाए, फिर आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप वहां पे होप नहीं खोजिए, आप कॉन्फिडेंस लूज ना करिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए और थोड़ा लेट में इनिशिएट करने की कोशिश करिए। ओके, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आपके पास उसकी थॉरो नॉलेज नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लेके, तो आप दूसरों के व्यू सुनिए पहले कुछ शुरू के कुछ चंद मिनट्स, उसके बाद तो आपको शायद अगर आपको नॉलेज होगा या फिर आपने इतनी मेहनत करी है आप उस चीज तक आए तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज होगा, तो आप उस चीज तक कुछ ना कुछ इंटरक्ट कर लेंगे। सो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है उस टाइम पे, बिकॉज वैसे भी इसका 5% वेटेज है, ज्यादा मैटर्स भी नहीं करेगा, इवन 5% भी मैटर्स करता है, बट अगर आप थोड़ा बहुत इंटरक्ट करके कुछ बता देंगे तो इट विल बी बेटर, राइट? ओके, तो एक चीज और मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा, ग्रुप डिस्कशन में अगर बात करें कि हम लोगों को स्टार्ट करना होता है जो लोग वहां पे रहते हैं, तो उसमें कौन स्टार्ट करता है, इज इट मैटर्स फॉर एग्जामिनर्स? मैटर करता है,
फर्स्ट स्टार्ट करने का मैटर से ये होता है कि पॉइंट्स आपके पास ज्यादा रहेंगे, कोई पॉइंट्स टॉपिक रिपीट होने का पॉइंट्स इसका डर नहीं रहेगा, तो स्टार्ट करना सही रहता है हमेशा। लेकिन अगर आपके पास थोरो नॉलेज है तभी आप ट्राई करिएगा स्टार्ट करने का, अगर आपको थोरो नॉलेज नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड तो बेनिफिशियल ये है कि आप लेट में नहीं सेट करिए। ओके, सो दिस इज अ बेसिक थिंग कि अगर आपके पास थोरो नॉलेज है तो स्टार्ट करिए, अगर आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट बोल के अच्छा कुछ इंप्रेस कर देंगे तो दैट थिंग ओनली डिपेंड कि आप कितनी नॉलेज है ना। तो दिस इज अबाउट ग्रुप डिस्कशन, अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप जो कि ग्रुप टास्क था, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। ग्रुप टास्क में ये था कि उसमें भी स्टार्टिंग में तीन टॉपिक दिए थे, उसमें सेलेक्ट करना था। ग्रुप टास्क बेसिकली ये था कि जो आठ मेंबर्स हैं उनको एक प्रॉब्लम दे दी गई थी, तीन प्रॉब्लम्स थी, उनमें को सेलेक्ट करना था। जैसे मेरे में हमारे ग्रुप टास्क में सेलेक्ट हुआ था कि हम अपने ट्रैफिक सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इसमें मेन पर्पज ये था कि इस ग्रुप टास्क में कि आपको सभी मेंबर्स को अपने अपने व्यूज देने हैं, फिर एक किसी एक पर्सन को इनिशिएटिव लेना है कि वो पॉइंट आउट जो टास्क का डिस्कशन हुआ है कि इम्प्रूवमेंट के जो जो पॉइंट डिस्कस हुए हैं, एक फाइनल टास्क का जो मोटिव है आउटपुट है कि हम कौन कौन से पॉइंट हमको अप्लाई करने चाहिए जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रैफिक रूल्स को। तो वो किसी एक बंदे को वो पॉइंट आउट करके लास्ट में फाइनली आपको डिसाइड करके कि हमारे ग्रुप ने ये फाइनल डिसीजन लिया है कि ये अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम अपने ट्रैफिक रूल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो एक फाइनली कंक्लूड भी करना पड़ता है। अच्छा, आपको चॉइसेस दी जाती है कि आपके पास ये टॉपिक्स होंगे या फिर ये आपके पास सिचुएशन है। थ्री टॉपिक्स वो सेलेक्ट करने को देते हैं, उनमें से ही सेलेक्ट करना रहता है। ओके, तो बेसिकली मेरे हिसाब से जनरल चीजें ही होंगी जो कि जैसे कि आपने ट्रैफिक की बात की, जो बेसिक जनरल डेली लाइफ में आपको ने कहीं ना कहीं फेस किया होगा वो चीजों को। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ ग्रुप टास्क के बारे में कि जो लोग मतलब जो जैसे आपके मेंबर हैं ग्रुप टास्क के जो मेंबर हैं उनमें लास्ट में एक स्टूडेंट या फिर एक मेंबर बताता है कि ये चीज हमने डिसाइड करी, तो वो जो बताने वाला पर्सन है उसके लिए कुछ प्लस पॉइंट हो जाता है या फिर इट रियली मैटर्स, it doesn't really matters, ऐसा है? मुझे जो उस टाइम पे ग्रुप डिस्कशन में कब मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्ट करना बेनिफिशियर होता है, लेकिन ग्रुप टास्क में पॉइंट कलेक्ट करके फाइनल जो बोल रहा है वो मेरे मुझे ऐसा नहीं लगा कि ग्रुप टास्क के लिए वो काफी मतलब एक एज देता है था वहाँ पे सब प्रॉपरली जो अपने व्यूज रख रहे थे वो मैटर कर रहा था ग्रुप टास्क में कि थॉट कैसे है, थॉट प्रोसेस कैसे है, फाइनल जो दे रहा था वो बहुत मैटर नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप टास्क। Okay, so these are the different stages of IOCL interview, like interview, group discussion and group task basically, okay. So before ending this meeting, मैं कुछ चीजें और पूछना चाहता हूँ आपसे personally कि जैसे आपका IOCL का interview हुआ उसके बाद आपका ONGC का interview हो चुका था, है ना, तो ONGC का result उसके बाद आया था या पहले आया था? IOCL का interview result पहले आया था या ONGC का? ONGC का result पहले आया था। अच्छा, और मेरा waiting में था उसमें वेटिंग में था, तो इसमें आप कह नहीं सकते कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वेटिंग में क्यों है, आपको उसके बारे में आपको आइडिया नहीं था या था? नहीं, ओएनजीसी का इंटरव्यू मेरा अप टू द मार्क नहीं गया था, तो मुझे लग गया था कि जैसे ही अदर्स पर्संस के जो पहले मुझसे देख के आए थे उनके मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिए थे पहले, तो उनसे उनका सुन के मुझे मैंने उस टाइम तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जो कंपेयर किया था मेरा उतना अप टू द मार्क नहीं था, मुझे ये लगा था कि एवरेज गया है मेरा इंटरव्यू। और जैसे कि आपको लगता है कि दूसरों के एक्सपीरियंस सुन लेके हम जब जिसके आपके एक्सपीरियंस से कोई स्टूडेंट सुन रहा होगा या फिर किसी और के एक्सपीरियंस से सुन रहा होगा तो उन चीजों से कितना मैटर करता है कि अपने इम्प्रूवमेंट में? काफी मतलब इंटरव्यू को एक्सपीरियंस लेके उनको इम्प्लीमेंट करने से काफी इम्प्रूवमेंट मिलता है, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे तो, दिख नहीं रहे तो कोई मैटर नहीं, फिर तो ऐसा ही जाएगा। अगर आप उसमें कुछ भी डेली यूज में डेली प्रैक्टिस में उसे अप्लाई कर रहे हैं तो काफी मैटर करता है। मैंने भी यूट्यूब में एक दो जो हमारे रिसेंट सीनियर्स थे उनके वीडियोस मैंने फॉलो कर रखे थे, प्योरली उनकी स्ट्रेटजी नहीं मैं फॉलो कर रहा था लेकिन बेसिक थिंग्स मैं फॉलो करता था। जैसे मैंने फाइनल मुझे याद आ रहा है जो गेट एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जाम था उसके कुछ 20-25 दिन पहले मैंने एक वीडियोस देखी थी जिससे मतलब काफी मुझे इम्प्रूवमेंट मिला था कि एग्जाम के दौरान उस 3 घंटे के दौरान मुझे क्या करना है, क्या चलना चाहिए माइंड में, वो मैटर क्या। तो प्लीज आप यहाँ पे बताइए क्योंकि ये भी मैटर करने वाली बात है। ये काफी मैटर करता है। तो मुझे उस वीडियो में वो जो क्या सीखा था मैंने
कि आप जैसे कि हमारा क्या रहता है कि जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम के दौरान जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप पूरी तरह उसी पे फोकस करिए, उसमें क्या क्या आप सोच सकते हैं आप उसी दौरान उसी पे फोकस करिए। अभी हमारा क्या रहता है कि हमको जो टॉपिक अच्छे लगते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो और वो क्वेश्चंस में हमने लगाना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया उसको और वो नहीं बन रहा है तो हमारा एक प्रेशर जो होता है कि वो अंडर प्रेशर आने लगते कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक था हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो एक अंडर प्रेशर बन जाता है तो फिर हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन उसको स्किप करके बढ़ते हैं तो वो एक माइंडसेट बैकअप में चल रहा होता है कि वो प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं बना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो माइंडसेट तो वो माइंडसेट जो रहता है ना वो आपका 20% माइंड वो प्रीवियस क्वेश्चन में आप प्रेजेंट क्वेश्चन में सिर्फ 80% माइंड दे रहे हैं तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। अगर आपको एफिशिएंटली सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक टाइम पे उसी क्वेश्चन को सोचिए और ज्यादा टाइम ना दीजिए और एक पर्टिकुलर आप डिसाइड कर लीजिए कितनी देर बाद आपको स्विच करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्विच करना है तो पूरे माइंड के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करना है। मैंने यही चीज मैंने अप्लाई की थी। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो मेरा अच्छा टॉपिक था है ना और इसके क्वेश्चन तो बनने ही बनने चाहिए। और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल आपको समझ में आए नहीं आए मुझे नहीं पता इस बारे में, बट बहुत मैटर वाली बात है कि आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ होता है कि वो पिछले क्वेश्चन के बारे में सोचते रहते हैं कि यार उसमें तो मैंने शायद लग रहा है कि प्लस नहीं किया माइनस नहीं किया ऐसा कुछ चलता रहता है, इवन कोई फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया। तो कहने का इनका मतलब ये है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स, उसकी जो बात है उसको समझना, उसका क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसके हर एस्पेक्ट को सोचें, ना कि पिछले क्वेश्चन के बारे में सोचें या फिर हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में सोचें। तो 3 घंटे का टाइम है, जिस टाइम अगर उस टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो योर फ्यूचर विल बी वेरी गुड। लाइक ये एक गेट एग्जाम की अप्रोच। मेरा ये मानना है कि हर एक क्वेश्चन को उनका पूरा टाइम दीजिए, उसको जस्टिफाई करिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उनको उतना पूरा टाइम मिलना चाहिए उस 3 मिनट के लिए। राइट। ओके, तो कुछ ऐसी चीजें आप ऐसी टिप्स या कुछ और स्ट्रेटेजी आप बताना चाहें कि स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए, कुछ मोटिवेशन देना चाहिए इन द एंड ऑफ दिस मीटिंग? मोटिवेशन मेरा यही है कि फेलियर से आप डरे नहीं, फेलियर से सीखते रहे। प्लस टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज इन प्रिपरेशन फेज, तो टाइम मैनेजमेंट आप करिए। शायद मैं जहां तक मुझे लगता है आपने डिफिकल्टी फेस करी थी टाइम मैनेजमेंट में, है ना? जैसे हम लोग भी साथ थे, जैसे बताना चाहूं तो शायद टाइम डिफिकल्ट आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लगता था, तो उसको आपने कैसे रिकवर किया? मुझे जो 2017 की प्रिपरेशन थी, मेरा फेलियर का मुझे लगता है ये भी पॉइंट था कि मैं टाइम पे क्वांटिटी पे ज्यादा मैटर करता था, क्वालिटी ऑफ टाइम पे मैटर नहीं करता था। मुझे लगता था 8 घंटे तो 8 घंटे पढ़ने चाहिए। अब वो नहीं देख रहा था उसमें एफिशिएंसी कितनी है, 8 घंटे की या 12 घंटे की एफिशिएंसी कितनी है, वो मैटर नहीं करता था। मेरा यह रहता था अगर 8 घंटे या 12 घंटे में 1-2 घंटे मेरा कहीं पे, जैसे कभी कभी रहता है माइंड है अपना, एटीट्यूड है, कभी कभी मन नहीं करता है कुछ पढ़ने का या कुछ वेब सीरीज या मूवीज देखने का, तो वो ठीक है, आप अगर आपका मन कर रहा है कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं आप माइंड को फ्रेश करने के लिए। लेकिन अगर आप वो कर रहे हैं तो आप जब प्रिपरेशन करने बैठे तो उसको एक बोझ होता है ना, वो लेके ना चलिए कि आपने 1-2 घंटे वेस्ट कर दिया है, तो आप आज का दिन आपने पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया, तो आप उसे वो एक बैगेज लेके ना चलिए। आप जो आगे नेक्स्ट उसके बाद जो कर रहे हैं, 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो वो बैगेज लेके ना चलिए कि आपने पास्ट में 2 घंटे बर्बाद कर दिया। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि क्वालिटी मैटर्स करती है गेट एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे हैं और 65 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अगर माना जाए, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जो 200 क्वेश्चंस होते हैं 2 घंटे में, तो 3 घंटे में प्रेशर क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअल में बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वालिटी मैटर्स करती है ना। और क्वालिटी कैसे आएगी, जैसे इन्होंने सेलेस ने बताया कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, इसको देखिए आप कितना एफिशिएंट है, कितना क्वालिटी क्रिएट कर पा रहे हैं अपने अंदर, है ना। इसका मतलब नहीं आप हार्डवर्क जरूर करें, हार्डवर्क तो चाहिए, बट हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा कि हाँ कि मैं इतनी क्वालिटी क्रिएट कर पा रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आप बस इमोशनली पढ़ते जा रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो ये चीजें स्मार्टली थोड़ा सोचनी पड़ेगी। तो ये चीजें थी जो सलेश ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और मैं सर्टेनली कह सकता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको काफी बेनिफिट होने वाला है। अभी लास्ट में मूव कर रहे हैं कि लास्ट फेज है हमारी इस वीडियो मीटिंग का, तो मैं इसमें आईओसीएल के बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आईओसीएल को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे आईओसीएल के बारे में? थोड़ा बताइए कैसा एनवायरमेंट है, क्या क्या चीजें होती हैं आईओसीएल?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसईएल में प्रोसीजर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वही आपने बताया, जैसे कि गेट के थ्रू ही अभी जो प्रोसीजर है गेट के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं। कोई रिटन एग्जाम अभी तक तो मैंने नहीं सुना है कोई रिटन एग्जाम इसका अलग से आईओसी कंडक्ट करा रही है। प्लस आईओसी का एटमोसफेयर है, आईओसी के अपने मैं बताना चाहता हूँ कि आईओसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग है, रिफाइनरी है, और अदर आपका आरएनडी सेक्टर है, और आपका बिजनेस डेवलपमेंट सेक्टर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स से 5 or 6 उनके डिवीजन है। आपका जब सिलेक्शन होता है तो जब आप आईओसी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग रैंडमली आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसमें कोई वाला स्ट्रेटजी या रैंक का कोई मैटर नहीं करता कि आपको कौन सा डिवीजन मिलने वाला है। आईओसी का ये फिक्स है कि आपको रैंडमली कोई भी डिवीजन दे जाएगा। एटमॉस्फेयर वर्किंग कल्चर यहाँ का काफी बढ़िया है, आपकी लोकेशंस वगैरह काफी अच्छी रहती हैं। और कुछ लोकेशंस में क्या है कि आपकी फील्ड जॉब भी है, जैसे सेल्स वगैरह मिलता है तो फील्ड जॉब है पूरी, आपको ट्रैवल ज्यादा करना, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। जिसको घूमना अच्छा लग सकता है कई जगह जगह, उसके लिए सेल्स की जॉब बेस्ट है। वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं। और ये है, और जिनको मतलब कि एक 9 to 5 जॉब का है तो वो प्लांट्स की जॉब है जो शिफ्ट वाइज चलती है। कुछ जगह जनरल शिफ्ट है, उसके बाद 1-2 शिफ्ट चलती है, तो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। तो लेकिन मेन जो पीरियड है, मेन जो कल्चर है वर्किंग कल्चर, वर्किंग कल्चर के हिसाब से काफी बेस्ट कंपनी है। आप यहाँ पे आके आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि आप किसी अच्छी मतलब ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनी के टॉप 100 या टॉप 500 में आती है, तो आप शेयर किया यहाँ पे। और ये तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, जो ये वीडियो देख रहा है उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आई एम सेइंग थैंक यू सो मच, एंड आपने अपना इतना अच्छा टाइम दिया, ये सब बातें बताई, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज, और मैं आपसे ये डिस्कस करके काफी मुझे अच्छा फील हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं काफी अच्छा कर रहे हैं आप इस फील्ड में, इससे काफी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। मैं आपको बेस्ट विशेस करता हूँ कि आप इसमें काफी अच्छा एक्सेल कर सके। ये मेरी बेस्ट विशेस है, थैंक यू सो मच।